कानपुर देहात की घटना को लेकर सपा नेता एमकेएन न्यूज पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सपा प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था, लेकिन जिस तरह से हम लोगों को जबरन रोका गया, यह लोकतंत्र की हत्या है। विधायक दल के नेता मनोज पांडे ने बताया है कि जिस तरह से मां बेटी जिंदा जल गई और प्रशासन खड़ा देखता रहा, यह अत्यंत दुखद है। सरकार की तरफ से जो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई है। विधायक दल के नेता मनोज पांडे जी मेरे साथ हैं। कल आप कानपुर की घटना पर पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, शासन ने आपको रोक दिया, प्रशासन ने, किस तरीके से देखते हैं, क्यों नहीं जाने दिया? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, प्रदेश में जो घटना घटी, बहन उर्मिला दीक्षित, बेटी नेहा दीक्षित जिस तरीके से धू धू करके जल गई, प्रशासन खड़ा तमाशा देखता रहा। प्रशासन की नज़रों के सामने या प्रशासन की देख रेख में वो जली हैं। उस घटना में अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग जा रहे थे और उस घटना की जानकारी लेने जा रहे थे। जिस तरीके से हम लोगों को जबरन रोका गया, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए था, क्या उस तरीके से कार्रवाई नहीं की सरकार? मैं समझता हूँ कि ना परिवार और ना वहाँ क्षेत्र के लोग, ना प्रदेश के लोग, दोनों अभी से संतुष्ट नहीं है। उच्च अधिकारियों को बचाया जा रहा है। पाठक ने पीड़ित परिवार से बातचीत किया है, क्या लग रहा है? बात किया उन्होंने, धन्यवाद उनको। हम इंतजार करेंगे कि आदरणीय ब्रिजेश जी 5 करोड़ की चेक लेकर के जरूर जाएंगे, 2 सरकारी नौकरी भी उनको देंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, कानपुर में जिस तरीके से इरफान सोलंकी की घटना हुई थी आग को लेकर, ये भी आगवाली की घटना है, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से उसमें जितनी जल्दी कार्रवाई हुई नहीं हो पाई? देखिए, केवल इतना कहना है कि न्याय का 2 स्वरूप नहीं होना चाहिए। एक तरीके की घटनाओं में न्याय भी एक ही तरीके का होना चाहिए, कार्रवाई भी एक तरीके की होनी चाहिए। इस वाली घटना में 2 लोगों की मौत, बिल्कुल। शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ सपा के विधान दल के नेता मनोज पांडे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पीड़ित परिवार की जो घटना हुई है, उस पर सरकार 5 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए का चेक दे। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मैं अविनाश, एमके न्यूज, लखनऊ।